हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। एंड आज का जो ये व्लॉग लेकर आया हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है एंड बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रोग्रेस देखना, प्रोग्रेस करना एंड प्रोग्रेस के बारे में जानना बेहद पसंद होता है। मुझे भी प्रोग्रेस बहुत पसंद है। मुझे प्रोग्रेस होती हुई चीज़ें, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करने वाले लोग, प्रोग्रेस करने वाली कंट्री, हर एक वो चीज़ जिसमें प्रोग्रेस होता है वो मुझे बहुत बेहद पसंद होता है। और आज का जो ये जो व्लॉग है ये मैं लेकर आया हूँ भारत का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज के लिए। जी हाँ, ट्रांस हार्बर सी लिंक जो मुकम्मली तौर पे 86% तक काम कंप्लीट हो चुका है एंड गुंजाइश है कि सितंबर 2023 तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 24 अप्रैल 2018 से इसका काम स्टार्ट हुआ था, एंडिंग डेट दी गई है, डेडलाइन सितंबर 2023। तो आज हम जानेंगे एंड समझेंगे, मैं भी समझूंगा और आप लोगों को भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बेहतर तरीके से ट्रांस हार्बर सी लिंक। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, जिसमें रहने वाले लोगों की संख्या 1.24 करोड़ से भी अधिक है, जो कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर है। तेजी से ग्रोथ कर रहे इस शहर के विकास पर नज़र डाली जाए तो सिटी डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी मुंबई ने एक नया रूप इख्तियार कर रहा है। पूरे भारत में हर एक स्टेट में बुनियादी ढांचा विकास की लहर चली हुई है। इस विकास की मुहिम में मुंबई पीछे कैसे रह सकता है? मुंबई में चल रहा ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 21.8 किलोमीटर एक निर्माणाधीन 6-लेन फ्रीवे ग्रेट रोड ब्रिज है जो मुंबई को उसके उपग्रह नगर नवी मुंबई से जोड़ेगा। 13.5 मील का ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा, जिसे सेवरी नावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में भी जाना जाता है। ये पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी में शुरू होगा, एलिफेंटा द्वीप के उत्तर में थाने क्रीक को पार करेगा और नावा शेवा के पास चिरले में समाप्त होगा। ये पुल पूर्व में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और पश्चिम में निर्माणाधीन तटीय सड़क से जोड़ा जाएगा। ये 6-लेन हाईवे दो आपातकालीन निकास लेन के साथ एज स्ट्रिप और कैश बैरियर के 27 मीटर चौड़ा होगा। इसके ऑनर की बात की जाए तो MMRDA कंक्रीट और स्टील मटेरियल का यह ब्रिज है जिसकी चौड़ाई 27 मीटर, अगर फिट में देखा जाए तो 89 फीट और हाइट 25 मीटर यानी 82 फीट और पुल की पानी में गहराई पर अगर नजर डाली जाए तो 47 मीटर यानी 154 फीट है। इस पूरे पुल के सबसे लंबे स्पैन की बात की जाए तो 180 मीटर, अगर फिट में देखा जाए तो 590 फीट की लेंथ है। स्पैन की कुल संख्या 70 है और पानी में लगाए गए पेयर की कुल संख्या 1089 है। 6-लेन वाला ये रोड है जिसकी जीवन शैली रचना 100 ईयर से अधिक बताई जा रही है। इंजीनियरिंग डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो AECOM एशिया को लिमिटेड और पेडिगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। कंस्ट्रक्शन बाय लार्सन एंड ट्रूबो और IHI कॉरपोरेशन एंड देवू E&C और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा है। 24 अप्रैल 2018 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था जिसकी कंस्ट्रक्शन की एंडिंग डेट सितंबर 2023 बताई जा रही है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो 17,843 करोड़ यानी $2.2 बिलियन आकी जा रही है। बाकी सही कॉस्ट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सामने आएगी। इसकी ओपनिंग डेट दिसंबर 2023 दी गई है। MMRDA के अनुमान के हिसाब से इसके खुलने के बाद प्रतिदिन 70,000 वाहन पुल का उपयोग कर सकेंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट का काम 3 पैकेज में बांटा गया था। पहला पैकेज सेवरी से थाने क्रीक तक 10.38 किलोमीटर का दायरा है जिसे L&T और
IHI Corporation द्वारा विकसित किया जा रहा है। पैकेज 2 थाने क्रीक से शिवाजी नगर तक 7.807 किलोमीटर का दायरा है, जिसे टाटा प्रोजेक्ट और डेवू ENC द्वारा विकसित किया जा रहा है। पैकेज 3 की बात की जाए तो ये 3.613 किलोमीटर का दायरा है, जिसे L&T द्वारा विकसित किया जा रहा है। और ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे 52 और 54 और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 4B चिरले नवी मुंबई से जोड़ेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का चौथा पैकेज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS है, जिसमें परियोजना के लिए टोल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और उपकरण स्थापना इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट फॉर द प्रोजेक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ में PP मॉडल के तहत निर्मित किया जाना था, मगर MMRDA ने बाद में मॉडल को बदल दिया और MTHL को EPC मॉडल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के रूप में निष्पादित किया। इस परियोजना की लागत का लगभग 85% जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA द्वारा फाइनेंस किया गया है। अब बात आती है टोल की, क्या इस MTHL का यूज़ करने में किसी तरह का टोल लगेगा? तो जी हाँ, 2012 में परियोजना को जब बनाने का प्लान किया जा रहा था तो MMRDA ने कारों के लिए 175 रुपीज़ और LCV के लिए 265 रुपीज़ और SCV के लिए 525 रुपीज़ और मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 790 रुपीज़ टोल दरों का प्रस्ताव रखा था, मगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो इस परियोजना की निर्माण लागत में बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे हालातों को देखते हुए परियोजना के सबसे बड़े इन्वेस्टर JICA ने टोल दरों को बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और टोल दरों की रकम में कितनी वृद्धि की जाती है वो ये परियोजना पूरी होने के बाद सामने आएगी। बहरहाल MMRDA ने 2045 तक टोल वसूल करने की योजना बनाई है। आइए अब नजर डालते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट MTHL के अमेजिंग फैक्ट पर। पॉइंट नंबर 1, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि MTHL प्रोजेक्ट की योजना 1990 के दशक में बनाई गई थी, जिसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखने के साथ इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया और अप्रैल 2018 में MTHL का निर्माण कार्य शुरू किया गया। पॉइंट नंबर 2, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक में राजहंस और अन्य प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए एक बड़ा वॉचिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिटेल में समझे तो MMRDA 5.6 किलोमीटर का एक टेम्पररी ब्रिज बनाया गया है उपकरण और परियोजना पर काम कर रहे लोगों के लिए। परियोजना पूरा होने के बाद इस पुल को ना गिराते हुए इसे पक्षी देखने के मंच में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, परियोजना पूरी होने के बाद यह सिर्फ मुंबई की शान ही बल्कि पूरे भारत का अब तक का सबसे बड़ा सीलिंग बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4, वर्तमान में नवी मुंबई से दक्षिण मुंबई के सफर में 2 घंटे का वक्त लगता है, इस सीलिंग का यूज करके ये सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, इस परियोजना के पूर्ण होने पर नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, क्योंकि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और JNPT पोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, MTHL को ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें मुंबई के एंड वाले पॉइंट पर एक 3-लेवल इंटरचेंज होगा जो ईस्टर्न फ्रीवे एंड सेवरी वर्ली कनेक्टर से जुड़ा होगा और नवी मुंबई छोर वाले साइड पर शिवाजी नगर और चिरले में एक इंटरचेंज दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, MTHL में ITS इंटेलिजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वेरिएबल मैसेज साइन वाली एमिनिटीज शामिल होगी, जो एक सीलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट नंबर 8, MTHL की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहेगी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर द्वारा MTHL पर यातायात CCTV कैमरे का उपयोग करके मैनेज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, इस पुल के निर्माण के लिए 1,65,000 टन रीइंफोर्समेंट स्टील एंड 96,250 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 8,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 10, ये पुल पूरे भारत में ऑर्थोटॉपिक डेक का उपयोग करने वाला पहला पुल होगा, जिसकी विशेषता की बात की जाए तो ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक पुल को नियमित गटर्स के साथ संभव से अधिक लंबा करने में सक्षम बनाता है। स्टील स्पैन पुल की लंबाई 6.41 किलोमीटर होगी, जबकि शेष कंक्रीट का उपयोग करेगा। इस खास स्टील स्पैन का उपयोग से दरिया के रास्ते आने जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पॉइंट नंबर 11, कंक्रीट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बीच में 4 किलोमीटर का स्टील स्पैन होगा। इस 4 किलोमीटर के खंड में 180 मीटर लंबा स्टील स्पैन शामिल है, जो भारत में सबसे लंबा स्टील स्पैन है और भारत में पहली बार किसी पुल में उपयोग किया जा रहा है। ये पूरी परियोजना की सबसे अमेजिंग बात है। MTHL का सबसे छोटा स्टील स्पैन 110 मीटर लंबा है। पॉइंट नंबर 12, MTHL प्रोजेक्ट के पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC लगा हुआ है। इस बात का ध्यान रखते हुए उस एरिया में व्यू बैरियर और सेवरी मड फ्लैप क्षेत्र में नॉइज बैरियर भी होंगे, जो प्रवासी पक्षियों और राजहंसों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। तो ये सारी बातें इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही खास और लाजवाब बनाती हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।